दी बिंदास की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। We are following this route, making our way slowly to Mumbai, when suddenly we hear the sound of a child crying in the distance, his anguish abruptly breaking the stillness of the night. We stop, and this is what we see. Children, women, men, in the middle of this interior village, making their way home on foot. It is past 1 a.m. and we were driving through this absolutely deserted stretch of road in the area of Bhiwandi in Maharashtra, when suddenly the darkness of the night was broken by the sight of these migrant workers, many little children among them, walking at this time, literally in the middle of the night. And we are now running to catch up with them, but you can see how many little children there are here. And let me just try and speak to one of the women who's walking here, and you can see that she has a big trunk on her head. Didi, aapka naam? Sita Nisad. Kahan pe ja rahe hain aur itna raat ko kyun paidal chal rahe hain? खाने पीने का नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग जा रहे हैं यूपी। यूपी में कहाँ से हैं आप? गोरखपुर खलीलाबाद जिला। और ये आपकी बेटी है? हाँ, ये हमारी बेटी। आपका नाम क्या है? निक्की। क्या उम्र है आपकी? निक्की। 11 साल की है। जी। अच्छा, ये बताओ कि अभी इतना रात है, इतना अंधेरा है, इधर आने दो मेरे को बेटी, आप इतना रात को क्यों भागिया चल रहे हो? क्या करेंगे, हम लोगों का खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे, इस रोड पे मरेंगे थोड़ी ना। पर अभी तो ट्रेन वगैरह शुरू हो गई है, कुछ दिन आप इंतजार कर लेते? नहीं, हम लोगों के पास पैसा नहीं है ना, हम लोग क्या खाएंगे, हमारे चार बच्चे हैं, हमारे भूखे रहेंगे क्या। आप क्या काम करती थी यहाँ पे? हम लोग मजदूर आदमी है, खाने का नहीं है, जब पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ से रहने से अच्छा रहेगा, रास्ते में मर जाएंगे। ऐसा मत बोलो ना, और क्या करेंगे हम लोग, अभी तो ट्रेन बस शुरू हो चुका है, हम लोग कुछ दिन इंतजार कर लो। सरकार नई सुविधा दे रही है तो हम लोग ऐसे ही जाएंगे, भूखा नहीं मरेंगे ना। तो आप कुछ दिन इंतजार करने के लिए नहीं थे? इतना दिन कम इंतजार नहीं किया हम लोग तो इतना दिन। अब अच्छा, रात को क्यों चल रहे हैं? किधर सोए हम लोग, ऐसे रोड पे सोएंगे, अभी बच्चों का कुछ होगा और क्या होगा तो हम क्या करेंगे। नाउ मेनी ऑफ द वर्कर्स दैट वी आर मीटिंग हियर लाइक दिस वुमन actually say that they walk at night because it's simply too hot to walk in the day. They also say that they don't have a place to sleep at night, and there you can see that they're rushing ahead, and we're just going to try and catch up with them. They do walk very fast, and there are many little children among those who are walking the streets at night, past 1 in the morning. Bhai sahab, kahan ko ja rahe hain? Gorakhpur. Kyun chal rahe hain itni raat ko? Kya karenge, bahut pareshani gir raha hai, kya karenge, na khane ka na. Kya mazdoori karte the aap? Centering ka. Kiska? Centering. Acha, to abhi kitna kilometer aise chalna hai raat ko? Abhi jitna chal payenge utna chalenge. Sir, main piche pooch rahi thi, abhi to train shuru ho gayi hai, कुछ दिन वेट कर लेते, मगर ऐसा परेशानी गिरा बहुत दिन ना। हाँ, बहुत परेशानी गिरा ना हम लोग को। पर अच्छा, आप लोग किसी शेल्टर में थे, सरकार के किसी शेल्टर में थे? नहीं, प्राइवेट। नहीं, जैसे सरकार ने रहने की जगहें वगैरह खोली हैं तो आप कहाँ रह रहे थे? इधर ही घास पाड़े में। तो ऐसी क्या बात हुई कि बीच रात में आप ये जंगल के रास्ते से चलते हुए जा रहे? अभी गाड़ी बहाना हो, गाड़ी से जाएंगे, अभी क्या करेंगे, कोई व्यवस्था करेंगे। अभी थोड़े दिन रुक जाते? नहीं रुकने लग समय, अब दो महीने का खाने का भी हमारे पास नहीं है, क्या खाएंगे बताओ। कुछ दिन, अच्छा एक बात बताओ, दिन में इसलिए नहीं चलते क्योंकि गर्मी होती है? हाँ, गर्मी होती है, धूप लगता है। बच्चे कैसे चलेंगे, देखो छोटे छोटे बच्चे, दो आगे हैं दो पीछे हैं, अभी कैसे चलेंगे देखो। सो वी कैन सी लिटिल चिल्ड्रन, बट आई नीड टू रिक्वेस्ट द कैमरा पर्सन टू मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। क्या नाम है आपका? रिंकी। कितना साल की हो? 9 साल की। तुम्हारा बैग जो है ना सिर पे, वो तुमसे बड़ा है ना? हाँ।
भारी भारी, एक मिनट, भारी नहीं लग रहा? बहुत भारी लग रहा होगा ना? हाँ। और ये चप्पल में चलोगी ऐसे कितना देर? जितना दिन चल पाऊंगी। दीदी मैं फिर पूछूंगी, ट्रेन के लिए रुक जाओ। नहीं, हम लोगों को उतना नहीं पैसा, नहीं हम लोग किधर जाएंगे बताइए? पहले बच्चे का तबीयत खराब हो गया, हमारे आदमी का ऑपरेशन हुआ है, वो भी नहीं अभी उठ पा रहा है, हम लोग कैसे रहेंगे बताइए? इधर आइए, इधर आइए, इस तरफ आइए। क्या ऑपरेशन हुआ है, मुझे समझ नहीं आई। और उनको पेट में बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है, हम लोग मजबूर हैं, कैसे हम लोग का किधर पैसा मिलेगा बताइए? So I'm just going to ask the camera to turn around and leave you with this sight. I'm just going to run one last time to try and catch up with these workers. And there you can see a child running to keep pace with his family. This is a surreal and tragic sight. A heartbreaking sight. So many children, infants, toddlers in this group of migrants walking home. कहाँ, क्यों रात को चल रहे हो? हम बिरार जा रहे हैं, गोरखपुर जाएंगे। बीच रात में क्यों चल रहे हो? चलना पड़ेगा ना मैडम, खाने पीने का कुछ पैसा वैसा नहीं रहेगा तो जाना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा था ट्रेन अब शुरू हो गया। अरे ट्रेन शुरू हो गया क्या करेगा, हम लोग ऑनलाइन कितने दिन से किए हैं, सब बोल रहे हैं सूचित बनाया जा रही है आपको छोड़ा जाएगा गोरखपुर। आपने ऑनलाइन फिल किया? ऑनलाइन फिल किया हम लोग, 10 दिन हो गया तभी तो हम लोग निकलना पड़ा हम लोग को। आपने सुना वो औरंगाबाद में भी एक्सीडेंट हो गया? हाँ सुना हो ना, जो पटरी पे सो रहे थे हाँ। गलती से गुड्स ट्रेन चढ़ गई। हाँ हाँ, 16 आदमी की जान भी गई थी उसमें। तो अगर आप देश के लोगों को बताना चाहेंगे, जो लोग आपकी परेशानी नहीं समझ पाते, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं ना, जो हमारी सरकार थी वो बोल रही थी बुलाने के लिए, अभी सूचित कराने के लिए बोल रही है आप वहीं जहाँ पे वहीं पर रहो, आदमी इतना छोटा छोटा बच्चा लेके हम लोग किधर जाएंगे अभी? छोटा छोटा बच्चा लेके चलेंगे कैसे? तो क्या करूँ मैडम, अभी पैसे भी तो नहीं हम लोग के पास, जाना ही पड़ेगा इतना किलोमीटर पैदल। अभी क्या काम, क्या काम करते थे? हम लोग सेंटरिंग का काम करते हैं, कारपेंटर का। कुछ दिन ट्रेन का इंतजार बहुत मुश्किल है क्या? मुश्किल है, तो अभी तो पैदल जा रहे हैं ना। सेठ ने तनख्वाह नहीं दिया? कुछ नहीं मिल रहा था, उधर रूम पे भी रहने को नहीं मिल रहा था, सेठ तनख्वाह किधर से देंगे? इतना मैं आपके बच्चे देख रही हूँ, छोटा छोटा बच्चा कैसे चलेगा भैया? अरे क्या बताऊँ मैडम, अभी कैसे चलेंगे, चलना पड़ेगा। बच्चे लोग तो क्या, इसको अभी दवा नहीं, इसको बुखार हो गया था दोपहर में चला तो, उधर सुलाया था खाना पीना किधर से खिला करके बना के। सो देयर इज नाउ अ डेस्परेशन, एन एब्सोल्यूट डेस्परेशन टू गेट होम। Children in rubber slippers, sometimes without any slippers. Families with little money, sometimes without any money. When we try and say, can't you wait a few days? They say, we have waited long enough. It's almost like a threshold has been crossed. And if I ask the camera to turn back here, I want to show you the stretch of road I'm standing on. There is just darkness all around, a little bit of a small factory of some kind here, and in the dead of night, past 1 in the morning, in absolute pitch darkness, and I'll give you a sense of that darkness if you see, there's a young girl just walking through the darkness, and in this area of Bhiwandi, Maharashtra, we see children, women, men walking. This has remained a focus for us over the last 54, 55 days. It is an absolutely heartbreaking sight. And no matter which state we go to, no matter which highway we walk on, no matter which inner road we walk on, even after the trains have started plying, we see sights like this one. And I'll ask the camera to now turn around and give you a sense of what we're seeing here in the middle of the night in the area of Bhiwandi in Maharashtra.